शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मूल रूप से लाल बंधुआ पत्थर से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक सुंदर संगमरमर के मकबरे में बदल दिया गया। सलीम चिश्ती की मजार कब्र भारत के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में सम्राट के दरबार के मध्य स्थित है। मकबरे का निर्माण अकबर ने सूफी संत के सम्मान के रूप में किया था, जिसने उनके बेटे सलीम के आने की भविष्यवाणी की थी, जिसका नाम अकबर ने प्यार से सलीम रखा था और बाद में वह जहांगीर के रूप में अकबर को मुगल सम्राट ने सिंहासन पर बैठाया था। माना जाता है कि इस मजार पर नवाज अदा करने से जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाती है। इस दरगाह की संगमरमर की खिड़कियाएं पर एक धागा बांधने की रस्म काफ़ी पुरानी है, ताकि किसी की इच्छा पूरी हो सके। शेख सलीम चिश्ती के पैतृक घर के मुख्य द्वार एक एक कर बड़ा सन मोटिक है और उसके अंदर प्रभावशाली पत्थर की स्क्रीन का एक सुंदर सारणी है और फटाफट सिकरी से बनी पहली इमारत से जुड़ा हुआ है, जिसमें नकाशीदार हेरिंग बोन छत है जिसे संगतारक के रूप में जाना जाता है। मस्जिद या स्टोर कट्टर को मस्जिद फतेहपुर सिकरी की सबसे पुरानी इमारत में से एक स्टोर कट्टर की मस्जिद है। जामी मस्जिद के पश्चिम में यह स्थित है, जिसे चिश्ती के सम्मान में स्थानीय पत्थर कट्टरों द्वारा बनाया गया था। इसकी कुछ सुंदर वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं जो निर्माण के स्वदेशी वास्तुकला शैलियों के समावेश को चिन्हित करती है। सलीम चिश्ती की मजार मुगल वास्तुकला की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है, जो केवल प्रतिष्ठा से आगे निकल गई है। और दक्षिणी तरफ विशाल बुलंद दरवाजा या विजय द्वार, पूर्वी दिशा में बादशाही द्वार या बादशाह के द्वार और एक भव्य मस्जिद जामा द्वारा बनाई गई है। पश्चिमी और मस्जिद साथ ही साथ आंगन का एक प्रतिबिंबित पुल और अन्य कब्रों द्वारा निर्माण 1571 ईस्वी में शुरू हुआ और 15 साल तक काम पूरा हुआ था। सम्राट का सबसे महान शासक अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया आपसे निवेदन है कि इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र एक ही पुत्र उसका था, अकबर, जो कि राजगद्दी पे बैठा बहुत ही कम उम्र का था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानू के गर्भ से हुआ था, अमरकोट के राणा वीर शाह के महल में, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी, जो कि उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, राजीव शेख 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालाडौर नामक संस्थान पे हुआ था। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पे बैठा था। बैरम खां 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर ने हेमू के बीच लड़ा था, जिसमें अकबर का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था, क्योंकि उस समय अकबर का उम्र बहुत ही कम था। मक्का के यात्रा के दौरान पाटन नामक संस्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दिया था। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल को अपने आप से मुक्त कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक श्री महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, जो कि उनका साला का बेटा था। यह युद्ध में कोई ना हारा था और ना कोई जीता था। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी को स्वयं हो गई थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुत्रगालियों से मिला था और यहीं पे सर्वप्रथम उसने समुद्र को देखा था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल जी थे। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संबोधित किया था। राजस्वर प्रणाली के लिए जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में ही प्रचलित थी। अकबर ने दीवान राजा टोडरमल को 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर का दरबार का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। दसवंत राय और वासावल अकबर के दरबार के एक चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन तथा बाज बहादुर, बाबा रामदास और बाबा बैरूम आजाद थे। अकबर की शासनकाल प्रणाली के प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा थी। उसका समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो और कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करती हो। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित करती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के